अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि ये सुपर एशिया में 6500 प्लस मॉडल आ गया है जी कूलर का। अब आम कूलर हमारा एक तो हमारा लाहौरी कूलर होता है जी, जो आपकी बिजली बहुत ज़्यादा लेता है और बिजली को वो लेना सवाब का काम समझता है। एक होता है हमारा जो है वो सिंपल एयर कूलर जो सुपर एशिया में आते थे पहले, वो होते थे, लेकिन अब जो मॉडल नंबर आया है ये है 6500 प्लस। ये सबसे बड़ा साइज है इसका और इसमें जो फायदा है वो ये है कि इसमें आइस बॉक्स दिए हुए हैं। आइस बॉक्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ आगे आगे। ये हम देखेंगे सबसे पहले इसका ECM 6500 प्लस इसका मॉडल है और ये फास्ट कूल के नाम से ये मॉडल बनाया गया है। इसकी अगर हम इसकी ग्रिलिंग की बात करें तो इसमें ये देखें ये चीज़ें दो ये दिए हुए हैं इसको मूव करने के लिए, इसको खोलने के लिए। इसकी ग्रिल को आप वो करेंगे ये खोल जाएंगे, नीचे करेंगे ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको आप आगे देखें तो इसमें अंदर से भी मूविंग होने वाली है, ग्रिल दी हुई है, मतलब ये आप इसको अंदर से भी दाएं बाएं भी मूव कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। उसके साथ आपको इसका जो नीचे इसका कैपेसिटी है इसके पानी के टैंक की, तो वो आपको 65 लीटर कैपेसिटी उसकी मिल जाती है। और जिसमें मेन उन्होंने फंक्शन ऐड किया है वो ये कि इसमें आइस बॉक्स दे दिए। अब आइस बॉक्स क्या होते हैं जी, आइस बॉक्स जो है ये जेल, इसमें ये दो बोतलें हैं जिनमें जेल दी हुई है। ये जेल जो है ये फ्रीजिंग जेल हम इसे कह सकते हैं। हमने क्या करना है, ये 6 बोतलें एक टाइम में एक उसमें आती हैं आइस बॉक्स के अंदर, और आपने जनाब वाला ये 3 बोतलें एक टाइम में यूज़ करनी है, 3 बोतलें आपने दूसरे टाइम में। अब ये यूज़ कैसे करनी है, आपने ये बोतलें हैं ये फ्रीजर में रख देनी है तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट के लिए, तो ये बोतल जो है प्रॉपर इसमें जो जेल है वो फ्रीज हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी फ्रीज होती है और देर तक इसकी कूलिंग रह जाती है। आपने जब इसको फ्रीज कर देना, तीनों बोतलें आपने यहाँ पर, बाकी जो 3 बोतलें होंगी वो आपके पास स्पेयर पड़ी होंगी, मतलब अगर आपकी जेल पानी ख़त्म हो गया है, ठंडी का मंगाना ख़त्म हो गया, तो आप वो निकाल के अपने फ्रीजर से बाकी 3 बोतल उठा के उसमें रख देंगे, फिर आपकी कूलिंग में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखने के बाद जब आप इसको चलाएंगे, इसको चलाने के बाद आप ये देखिए इसका सबसे पहले ये इसमें पावर ऑन करना है। उसके बाद हमने जनाबे वाला क्या करना है, इसकी कूलिंग जो है वो हमने इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ये कूलिंग का बटन दिया हुआ है, हमने ये ऑफ है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद इसकी स्पीड दी हुई है, इसमें हाई है लो है वो हमारे पे डिपेंड करता है, हमने कितनी इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम 20 स्पीड तक जाती है, फुल साइज है ये। अच्छा, हमने इसको हाई पे लगाया और जनाब वाला जो जब हम कूलिंग इसको ऑन करेंगे तो पानी जो है वो यहाँ ऊपर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये आपको ये यहाँ से होल नजर आया होगा, ठीक है। यहाँ से पानी ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद वो यहाँ से फिल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये आपके खाने फिल होंगे तो पानी जो है वो यहाँ से नीचे गिरेगा। इधर आपको जो है ना पैड मिल जाते हैं, पैड से जैसे ही नीचे वो ठंडा पानी आएगा साथ ही पंखा चला होगा और आपको वही कूलिंग, वही ठंडे पानी वाली कूलिंग आपको आप तक पहुँचाएगा। उसके बाद इसमें 6500 प्लस जो है ये बहुत ही कामयाब तरीन मॉडल है। और अगर हम इसकी वारंटी पीरियड की बात करें तो आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो वारंटी कार्ड दिया हुआ है सुपर एशिया कंपनी कहती है कि जी जो एयर कूलर है इसकी 1 साल की मोटर और पंप की वारंटी है, और वो भी ओनली 1 बार। मतलब अगर आपकी मोटर ख़राब होती है या पंप ख़राब होता है जो पानी को ऊपर लेके आ रहा है, तो उसकी जो वारंटी होगी वो 1 साल होगी, और 1 साल में वो सिर्फ 1 बार ही आपको चेंज किया करके दी जाएगी। उसके बाद सुपर एशिया ओरिजिनल जो है ना, जब भी आप लें मार्केट में जो है वो बहुत दो नंबर ही हो रही है, और बहुत जो है ना पता नहीं चलता कि सुपर एशिया के नाम से फलानी एशिया, डिंगानी एशिया, ये एशिया, वो एशिया, न्यू एशिया, तो जो है अक्सर कस्टमर जो है ना वो पजल होके कोई और एशिया ले आता है। तो आपने जब भी सुपर एशिया का कूलर लेना है, वाशिंग मशीन लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, तो आपने वारंटी कार्ड देखना है। वारंटी कार्ड के ऊपर सुपर एशिया का प्रॉपर जो है आपको सर्विस सेंटर का नंबर मिल जाता है, और इसका जो नंबर है वो पूरे पाकिस्तान में यही है, सुपर एशिया कस्टमर केयर 03 जो है ना टाटा 1233345, ये इसका नंबर, ये आपने कंफर्म कर लेना है और तब जो है ना आपने मार्केट में परचेजिंग करनी है। अगर हम इसके रेट की बात करें तो रेट इस वक्त इसका मुनासिब चल रहा है। वैसे इसका जो रेट है वो 41-40+ की रेंज में आ रहा था, लेकिन ये अगर आप हमसे परचेज करते तो हम आपको ये 37-38 की रेंज में आपको ये दिलवा देंगे, मजीद जो है ना डिस्काउंट वो भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपका प्लान बनता है आप हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं आने वाली हर नई वीडियो आपको देख सकें और आप उससे फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।